गुड आफ्टरनून टुडे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आज जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है, वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं, वो मेनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो होते हैं, वर्ल्ड के अंदर जो है मोस्ट कॉमनली फाउंड होने वाला जो कैंसर है, उसे हम कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। मोस्ट कॉमन कैंसर ये मेंस के अंदर, क्योंकि मेनली क्या होता है कि यही जो कॉसेस है, मेनली प्रोस्टेट कैंसर जो मेल्स के अंदर है वो फाइंड आउट होता है। उसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर जो होते हैं मोस्ट कॉमनली उन लोगों में देखे जा सकते हैं जिनकी एज अबव 65 हो। 75% लोग होते हैं जिनकी एज अबव 60 से अबव हो, उनके अंदर हम लोग प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम देख सकते हैं। उसके अलावा BPH देख सकते हैं, जो हम लोग अबव 60 या 65 के अबव जो मेल्स होते हैं, उनके अंदर BPH बिना प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये डिसऑर्डर्स जो हैं, वो मेनली हम लोग जो है मेल्स के अंदर देख सकते हैं, मेल्स के अंदर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर। अब प्रोस्टेट कैंसर, अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो व्हाट इज़ प्रोस्टेट कैंसर? एक मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंसी इन द सेल जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर किसी भी ट्यूमर का या फिर किसी सेल के अंदर मैलिग्नेंसी का होने से हम प्रोस्टेट कैंसर कह सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, जैसे कि नॉर्मल प्रोस्टेट एंड दिस इज़ द कैंसरस ट्यूमर जो प्रोस्टेट के अंदर डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ अ प्रोस्टेट कैंसर? सबसे पहला एज, अबव 60 के जो पेशेंट पर्सन मेल्स जो होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं। एथनिसिटीज जो होती है, अमेरिकन होते हैं, अफ्रीकन्स होते हैं, उनके अंदर एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जिसे रेस प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा फाइंड आउट होने के चांसेस रहते हैं। फैमिली हिस्ट्री हो किसी भी मेल की, तो उसके उन लोगों के अंदर ये हम देख सकते हैं। लाइक BRCA1 BRCA2, हम लोग ये कह रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, सेम वैसे ही प्रोस्टेट कैंसर्स के लिए भी फैमिली हिस्ट्री के बार रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्सपोजर टू सम केमिकल्स लाइक इंडस्ट्रियल केमिकल्स और सब जो होते हैं, उनके एक्सपोजर में आना जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, कुछ कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर में आना जिन्हें हम इनहेल या फिर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, या फिर किसी ना किसी थ्रू रूट्स के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होते हैं वो कार्सिनोजेंस, जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट इज द ओबेसिटी पर्सन की, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म और डाइट्री पैटर्न के अंदर मेनली जो होते हैं रेड मीट का कंजप्शन जो लोग ज़्यादा करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन एक्सेसिव अमाउंट में करना, ये सब चीज़ें क्या करती है, प्रोस्टेट कैंसर को लीड करती है। देर आर सम वार्निंग साइंस फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, कुछ ऐसे साइंस जिनको अगर मेल्स जो है ध्यान में रखे और उन्हें ऐसी कोई भी साइन या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो दे शुड रेफर टू द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर। सबसे पहला, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन और एजैकुलेशन के टाइम पे, और यूरिनेशन के टाइम पे पेशेंट को पेन फील होना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन तब भी होता है इफ़ पर्सन इज हैविंग अ किडनी स्टोन, और उसके अलावा जो होता है UTI होते हैं, उन टाइम्स पे भी ये चीज़ें होती हैं। बट प्रॉपर मेनली इजैकुलेशन के टाइम पे भी अगर पर्सन को ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ही शुड गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पर्टिकुलरली एट नाइट, मीन्स नाइट के अंदर कंटिन्यूस यूरिनेशन के लिए जाना, कि नाइट में जब भी सोने कंटिन्यूस 1 or 2 hours के अंदर जो है बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, ये बहुत एक ये इट्स नॉट नॉर्मल। ये साइन एंड सिम्टम्स हम लोग तब भी देखते हैं जब पेशेंट जो होता है हाइपरग्लाइसेमिक होता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान, ये कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है प्रोस्टेट कैंसर वाले पेशेंट्स को, या फिर पर्सन हु इज़ हैविंग अ प्रोस्टेट प्रॉब्लम, क्योंकि ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करे। ज़रूरी नहीं है कि हाइपरग्लाइसीमिया ही हो या फिर जो है UTI हो, बट अगर टाइम टू ट्रीटमेंट हो जाए तो पर्सन जो है उस बीमारी से, कैंसर से, बहुत ज़्यादा कैंसर को फैलने से उसे रोक सकता है। डिफ़िकल्टी इन स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग यूरिनेशन, सडन इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड ब्लड इन यूरिन और सीमेन के अंदर जो है ब्लड का आना, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होना, ये सब कुछ वार्निंग साइंस है प्रोस्टेट कैंसर के। उसके अलावा नेक्स्ट
इट इज़ द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। अर्ली स्टेज के अंदर लाइक स्टेज वन और स्टेज टू जब कैंसर होता है, प्रोस्टेट ट्यूमर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि पर्सन इज़ नॉट हैविंग एनी साइन एंड सिम्टम्स। पर्सन का जो है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जो होते हैं वो नॉर्मली चलते हैं, उस टाइम पे कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं। बट लेटरली जब धीरे धीरे ये ट्यूमर इंक्रीज होने शुरू होता है तब धीरे धीरे क्या आता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है लाइक डिफ़िकल्टी इन और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी और जो है यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होना पेशेंट को। उसके अलावा जो है फोर्स का, यूरिन स्ट्रीम के फोर्स का रिड्यूस हो जाना, यूरिन रिटेंशन में, यूरिन रिटेंशन होना शुरू हो जाना। उसके अलावा जो है पेशेंट को हेमेटोस्पर्मिया होना, मतलब कि सीमेंस के साथ क्या ब्लड का आना। उसके अलावा पेनफुल इजैकुलेशंस, हेमेचूरिया, डिस्यूरिया, नॉक्चूरिया। उसके अलावा ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन एंड अर्जेंसी। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो कि जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, जब पेशेंट का ट्यूमर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है प्रोस्टेट से लिम्फ नोड्स और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, जब धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तब क्या करता है, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो पर्सन बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है उस टाइम पे। प्रोस्टेट कैंसर कैन बी स्प्रेड इन द बॉडी थ्रू लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके अलावा ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है। और थर्ड जो होता है, इनके साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे कि अफेक्ट करने लग जाता है बाकी ऑर्गन्स को। तो ये प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे इस तरीके से स्प्रेड होना शुरू होता है। नेक्स्ट इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हम इन सब साइन एंड सिम्टम्स के बाद ये कन्फर्म करने के लिए कि पेशेंट इज़ हैविंग अ प्रोस्टेट कैंसर, हम कुछ इवेल्यूशन करते हैं। फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, जिसके अंदर हम उसकी डाइटरी पैटर्न्स, उसकी फैमिली हिस्ट्री और सब कुछ लेते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, नॉर्मल जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशंस करते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशंस के अंदर हम लोग प्रोस्टेट का जो है साइज़, किसी तरीके का प्रोस्टेट के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ का फील होना, ये सब चीज़ें क्या करते हैं हम लोग पेशेंट की बॉडी के अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इट इज़ अ ब्लड टेस्ट जो कि हम लोग करवाते हैं PSA, बायोप्सी ऑफ प्रोस्टेट टिश्यू, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, उसके अलावा CT स्कैन, MRI, बोन स्कैन। ये कुछ ऐसे टेस्ट है जो हम लोग जो है पेशेंट को करवाते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, कन्फर्म करते हैं इज़ द पेशेंट इज़ हैविंग अ प्रोस्टेट कैंसर और नॉट। अगर पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ट्यूमर, अकॉर्डिंग टू द साइज इंक्रीजिंग, जो ट्यूमर का जो साइज़ इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी हम लोग देते हैं। रेडिएशन थेरेपी के अंदर टेलीथेरेपी एंड ब्रैकी थेरेपी होती है। दोनों थेरेपी में से जो भी सूटेबल थेरेपी होती है वो थेरेपी हम लोग देते हैं रेडिएशन के अंदर। उसके अलावा हार्मोन थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर एंड्रोजन जो होता है मेन होता है, उनका एंड्रोजन जो हार्मोन है उनको पेशेंट की बॉडी में हार्मोन थेरेपी देते हैं। उसके अलावा जो होता है क्रायो सर्जरी करते हैं एंड रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं। रेडिकल प्रोस्टेक्टमी इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट एंड क्रायो सर्जरी इज़ ऑल्सो अ सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यह हम क्या करते हैं, ये कुछ मैनेजमेंट्स है जो हम लोग पेशेंट के लिए करते हैं हु इज़ हैविंग अ प्रोस्टेट कैंसर। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट जो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्स, फर्स्ट टू कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद इट्स नॉट कि इट इज़ टू बी अनाउंसड इन एवरीवेयर, हमें पेशेंट का जो है प्रोस्टेट कैंसर टाइप के कैंसर जो होते हैं इनको कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट की फैमिली और अटेंडेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है इनको सारी सबको बताने में तो फिर इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है मतलब कि लाइक यूरिन प्रॉब्लम, पेशेंट को प्रेजेंटली क्या क्या यूरिन प्रॉब्लम है, बर्निंग सेंसेशन है यूरिन के अंदर, वॉइडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे जो भी यूरिन से जो भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स है जो भी है पेशेंट से, उनके बारे में डाटा कलेक्ट करना, उन चीज़ों को लिख कर रखना जो पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन डाटा है उसके अंदर रखना। उसके अलावा जो है फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करना, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको मॉनिटर करना, कोई और एबनॉर्मलिटी अगर हमें फील होती है तो उसके बारे में कंफर्म डॉक्टर को बताना। इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग एनी पेन और एनजाइटी तो उन चीज़ों के बारे में डॉक्टर्स को बताना। पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल विद द नर्स,
हमें पेशेंट को इस तरीके से फील नहीं करवाना है कि पेशेंट इज़ हैविंग वो कुछ बहुत अलग टाइप की प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं इन चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। तो वी शुड गिव अ प्रॉपर केयर टू द पेशेंट। दिस इज़ द टॉपिक प्रोस्टेट कैंसर। थैंक यू।